So, hello, what's up, guys? How are you all? In this video, we are going to make tic-tac-toe game through coding. In this video, मैं आपको बताऊंगा how to make tic-tac-toe game. मैं आपको चला दिखा देता हूँ. पहले start दबाया. ये पहले वो खेलता है, मैंने यूनिक बनाया. जरूरी नहीं है ना कि दूसरों का देख के हम हमेशा एक ही पहला क्यों खेलेंगे. वो भी खेल सकता है, ऐसा थोड़ी कि जो पहले खेलता है वही जीतता है. तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो. तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने कैसे, पहले हमने ये स्टार्ट बटन्स कैसे करे, ये बटन्स को ड्रैग करा, इधर ड्रॉप करा था और स्टार्ट बटन उस पर बनाया. ये देखो कि मैं जब बटन पे क्लिक करूंगा ये पूरा लिखना पड़ता है कि टेक्स्ट, उसका आईडी लिखना पड़ता है. उसका आईडी स्टार्ट बटन लिखा है तो कहाँ यूज होगा मैं आपको आगे बताता हूँ. अनाप चेंज अनाप को ये स्क्रीन भी ऐड कर सकते हैं. आपको स्क्रीन ऐड करोगे तभी आपको नेक्स्ट स्क्रीन दिखेंगी. पहले गेम्स, ये देखो गेम स्क्रीन, इस पे देखो ये बनाया हुआ है पूरा. इसको कहीं डिस्प्यूट करना है गलत हो जाएगा. देखो ये पूरा करे हुआ है. ये आप भी कर, ये विन स्क्रीन बनाई हुई है. प्लेयर जीरो क्यों लिखा है, जो जीतेगा उधर वो प्रोजेक्ट हो जाएगा. या आप इसको भी बदल सकते हो. इम्पोर्ट स्क्रीन नहीं लिखेंगे हम, इम्पोर्ट स्क्रीन गलत हो जाएगा. न्यू स्क्रीन पे आप न्यू करोगे तो देखो ये आ जाएंगे. पर मैं आपको ये नहीं करनी है, आपको स्क्रीन पे नहीं, मैं डिलीट कर दूंगा इसको. तो सी आप इसको भी चेंजेस कर सकते हो. स्टार्ट स्क्रीन, गेम स्क्रीन, गेम स्क्रीन पे भी आप चेंजेस कर सकते हो. सी आप गेम स्क्रीन पे भी चेंजेस कर सकते हो. अगर आपको इसका कलर पसंद नहीं आ रहा है तो जाना कलर चेंज करना. पर आपको एक एक का कलर, एक एक का कलर, एक एक का चेंज करने में बहुत दिक्कत जाएगी. तो मेरे हिसाब से आप मत ही करना है. तो आप वैसे टेक्स्ट टेक्स्ट करना है तो ये टेक्स्ट एरिया लेना, ये दबाना, इधर करना, उसके सब चेंजेस कर लेना. फिर अब हम आते हैं कोड. कोड पे वेरिएबल पिछली बार भी बताया था, एक्स इक्वल टू समझो 100 पकड़ा. तो एक्स इज अ वेरिएबल, यर 0 एस 4. एस 4 का क्या काम है मैं आपको आगे बताऊंगा. वो ये है एस 1, ये है एस 2, ये है एस 3, एस 4, एस 5, एस 6, एस 7, S9. ये इसको कैसे करना है आगे मैं आपको बताऊंगा, कि जीते तो बताना. ऑन इवेंट, रीसेट बटन पे दबाए तो क्या होना चाहिए, स्टार्ट बटन पे दबाए तो क्या होना चाहिए, रिस्टार्ट बटन पे दबाए तो क्या होना चाहिए. अब हम देखते हैं रिस्टार्ट बटन किसका नाम दिया हुआ है, इसका दिया हुआ स्टार्ट बटन. ये तो नहीं हो सकता गेम्स के. ये लेबल, लेबल मतलब क्या है, इसको इधर ले लिया और इधर चिपका दिया. लेबल है ये, इसमें ये एक बटन है, ये क्या है रीसेट बटन. और ये क्या है, ये भी एक लेबल है. ये चेंज हो जाता है, इसका कैसे कलर चेंज होता है जिसकी टर्न के हिसाब से. वैसे तो फिर तो क्या होना चाहिए रीसेट बटन पे. तो जब हमने समझो ये एक चांस खेल लीजिए, एक चांस कैसे ने खेल ली तो रीसेट करना है. नहीं मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, हम वापस करते हैं तो वापस हो जाएगा ऐसा. तो रीसेट स्टार्ट बटन पे दबाने के बाद वो तो जो स्टार्टिंग स्क्रीन है उस पर स्टार्ट बटन पे दबाने के बाद क्या होता है. फिर टॉप लेफ्ट, अभी आ गया हम एस वन पे. मैंने आपको बताया है एस वन ये है. तो एस वन इक्वल टॉप लेफ्ट पे जब क्लिक करेंगे क्या होना चाहिए. इफ प्लेयर वन, प्लेयर वन अगर खेलेगा तो एस वन है तो प्रोसीड करना पड़ेगा. एस वन पे वो होके करना पड़ेगा बरोबर, एल्स एस वन को दूसरा करना पड़ेगा. एस टू 20 क्यों लिया है हमने, ये लिया है वो जो एक्स या ओ है उसके लिए. फिर टॉप मिडल, फिर ये, फिर हम ये हर इसके लिए करेंगे. फिर ये बॉटम तक जाएगा, बॉटम लेफ्ट, बॉटम मिडल, बॉटम राइट, ये ऐसे चलते रहेंगे सबके लिए. एस 7, एस 9 देखा आपने. फिर अब ये है फंक्शन चेक फॉर विन, ये प्रोसीड. फिर चेक फॉर विन, तो चेक फॉर विन कैसे करना है मैंने आपको बताया, उधर ये रोज के नाम है. तो चेक करो कि 1 2 3 यानी एस 1 2 3 लाइन में है क्या, यानी वो इमेज लाइन में है क्या, एस 1 2 3 में सेम इमेज. फिर 4 5 6 7 8 9, फिर 1 4 7 2 5 8, फिर हॉरिजॉन्टल में ऐसे बराबर है क्या सब. अगर बराबर है तो जिसके है उसको विन दे देना चाहिए. फिर अब चेक एक्स वाई जेड,
अब उसको सिर्फ ऐसा लिख के नहीं चलेगा कि चेक करो सिर्फ यही आया, तो उसको पूरा बताना पड़ेगा कि जब एक्स वाई जेड ऐसा आया, यानी S1 S2 S3 यानी कोई भी ऐसा आया, तो उसको विन लेबल प्लेयर 1 या प्लेयर 2 को विन, एल्स इफ मतलब उस अगर वो नहीं है तो क्या आ जाएगा, प्लेयर 2 आ जाएगा। फिर फंक्शन नेक्स्ट टर्न मतलब एक की टर्न हुई तो क्या आ जाना चाहिए, इधर प्लेयर 2 का टर्न आना चाहिए चाहिए, इसका कलर बदल जाना चाहिए, टच करेंगे जब दूसरा आना चाहिए ऐसा। अब इधर S1 S2 ये सब 0 क्यों दिए हुए हैं, जब रिसेट करेंगे तो 0 आने चाहिए, मतलब प्रिंट नहीं होने चाहिए, अभी इधर आप खाली छोड़ दोगे तो वो वर्क नहीं करेंगे। देखा नहीं। और आप सोचोगे कि ये बहुत सिंपल लग रहा है, ये बोल रहे हैं कि ये एकदम बिगनर्स हो जा रहे हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं आपको अगर एंड्रॉयड स्टूडियो पे बना के दिखाऊंगा तो आपके पल्ले कुछ भी पड़ेगा नहीं, फॉर बिगनर्स आई एम टेलिंग, नॉट फॉर एडवांस कोडर्स, बिकॉज एंड्रॉयड स्टूडियो को पहले सेट करते सबको आना चाहिए, सेट करने में उसको 2-3 दिन लग जाते हैं। फिर उसको सेटअप करा तो उसमें अलग अलग फाइल्स रहती है, उसमें इतनी फाइल्स रहती है, हर जगह पे सब पेस्ट करो कॉपी करो कैसे करो वो करो, मैं आपको ऑन करके बता दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, मैं आपको वो भी बता दूंगा उसको ऑन करके। मेरे पास है ये एंड्रॉयड स्टूडियो, आपको आइकॉन दिख रहा होगा क्रोम के बाजू में, ये एंड्रॉयड स्टूडियो है, ये देखो एंड्रॉयड स्टूडियो, मैं आपको ऑन करके बताऊंगा उसमें, मैं आपको फ़ोन बताऊंगा AVD मैनेजर से जो बनाना पड़ता है, उसको भी 1 दिन लगता है कम से कम वो, तो आपको वो बहुत मुश्किल जाने वाला है। उसमें ऐसा कोई रहता नहीं कि आप ड्रैग कर लोगे, टेक्स्ट में भी आप ऐसा टेक्स्ट रहता है उसमें सिर्फ ऐसा खाली, और ऐसा भी नहीं कि आप ऐसा ड्रैग कर दोगे ड्रॉप कर दोगे हो जाएगा, ऐसा नहीं चलता है, ऐसा रहता ही नहीं, उसमें टूल बॉक्स ही नहीं रहता कुछ भी नहीं, ये भी नहीं रहता ये भी नहीं रहता ये भी नहीं रहता, खाली और एक फोन दिखता है, वो अलग से आपको ऑन करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है, दिख रहा है। और उसको कोड करना भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो ऑफलाइन है तो उसको सिखाना पड़ता है, ये थोड़ा एडवांस, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ये इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है ये बहुत एडवांस है, उसको ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ता, ये इजी जाता है, पर आप वही उसमें जाओगे तो उसका सॉफ्टवेयर लो है क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं है, वो ऑफलाइन है, तो आपको वो थोड़ा हार्ड जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड, मैं आपको वो भी एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा। चलो पहले हम आगे की वीडियो खत्म करते हैं, फिर ही तो हम आखिर में देख पाएंगे। अरे हाइड एलिमेंट मतलब जो पहले एलिमेंट्स थे, ने जो पहली वन जो अलग अलग चीजें थी वो सब हाइड हो जानी चाहिए, दूसरी चीज सब हट जानी चाहिए, ये चीज लगाई अब तुमने तो ये भी हट जाना चाहिए, ये भी हट जाना चाहिए, सब पहले के जैसा हो जाना चाहिए, इसलिए रीसेट में इतनी चीजें आई है। और एक फंक्शन अब देखो मैंने चेंज फॉर प्लेयर का हटा दिया तो वो हमेशा को नहीं खेल रहा है, 1 ही खेल रहा है, 2 खेल ही नहीं रहा है, सॉरी 2 ही खेल रहा है, 1 तो खेल ही नहीं रहा है, ठीक है 2 ही जीतते जाएंगे, इसलिए ये भी फंक्शन इंपॉर्टेंट बोलूँगा। हाँ चेंज फॉर प्लेयर एक्चुअल में फंक्शन दिखाया कुछ तो मेरे को लग रहा है पांच चट है, चेंज फॉर प्लेयर मतलब जब एक की चांस हो जाती है तो दूसरे की चांस आनी चाहिए, ये उसका फंक्शन है। देखो अपन हमारे से गलती, हमने रिसेट नहीं किया, हम रन करेंगे, अब देखो अब बरोबर आ रहा है, अब सबकी चांस आ रही है, तो बरोबर होना चाहिए सब, ये भी आना चाहिए, चलो हम इसको भी हटा कर देखते क्या होता है, होगा तो होगा देखेंगे। आप लोग बोलते हो हाँ फोन आलस करते हो, कोई बोलते हो हाँ क्या होने वाला, देखो वो तो चल ही नहीं रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, ये देखो चल ही नहीं रहा तो चल ही नहीं रहा है, पहले बार तो कम से कम क्लिक तो हो रहा था, इस बार क्लिक भी नहीं हो रहा। शो एलिमेंट जी मतलब यानी वो जो क्लिक कर रहे हो आना चाहिए, देखो अब ये रिसेट नहीं करा इसलिए ऐसा बता रहा है, देखो अब आप करोगे तो आएंगे, आ रहा है तो ऐसा होता है। और अगर आपको टेक्स्ट में करना है तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, समझो आपने इक्वल टू 2 बार लिखा तो बोले इक्वल टू 2 बार क्यों लिखा है, इधर दूसरे इक्वल टू भी यूज होते हैं, आप सोचते क्या एक ही इक्वल टू यूज होता है, अब हमने वेरिएबल लिखा तो उसके आगे एक ही रहता है, जो 2 इक्वल टू क्यों यूज होते हैं वो मैथमेटिक्स के लिए यूज होते हैं, जब 2 एक साथ कभी भी यूज होते हैं दे आर यूज फॉर मैथमेटिक्स, वो मैथ्स के सिंबल रहते हैं,
इक्वल टू मतलब वन इज इक्वल टू वन, वो उसको ये फॉर्मेट में लिखते हैं। और प्लेयर इज इक्वल टू टू मतलब प्लेयर प्लेयर टू है, मतलब टू क्या है, एक प्लेयर है, वन क्या है, एक प्लेयर है, वो तो इक्वल टू हो जाएगा। इस पे भी आप ऐसा नहीं है कि दो डाल दो सब जगह, दो दो कर दो, या इधर आप एक कर दो, एक कर दोगे तो चलेगा ही नहीं। देखो आ जाओ, गलत हो गया, देखो दिख रहा है आपको, और आप इधर दो कर दोगे तो भी नहीं चलेंगे, चल जाएगा और फिर गेम नहीं चलेगा। इसलिए आपको एक भी गलती नहीं होना, इसलिए मैं आपको शो ब्लॉक सजेस्ट करता हूँ। उसके बाद एंड्रॉइड स्टूडियो में आपको बताने वाला था, तो पहले वो देख लेते हैं। पर पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि आपको अगर एक भी कुछ छूटा होगा तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप बस देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इजीली। मैं ये देखो, ये मैं शॉर्ट मैं आपको हर बार बताता हूँ, आपको बस आपको खुद का बताना है ना, तो जब आप लिंक पे दबाते हो फिर तो एक सामने फोन आता है, उधर व्यू कोड पे दबाना, व्यू कोड पे दबा दिया आपने तो क्या हो जाता है, ये चालू हो जाता है। फिर आपको रिमिक्स पे दबाना था, फिर रिमिक्स पे दबाओगे तो आपका साइन इन मंगेगा, तो आप उधर साइन अप का भी ऑप्शन होगा वो करना, फिर साइन इन करना, फिर आप सब करने का, जब रिमिक्स दबाओगे तो वो आप ऐप आपके नाम से सेव हो जाएगा, आप उसको रिनेम कर सकते हो, इधर सेव इधर रिनेम से आप उस पर चेंजेस कर सकते हो, सब कर सकते हो, आपको उसमें कोड्स नहीं लिखने पड़ेंगे। अभी शॉर्टन यू आर एल अभी नया आ गया, इसमें रिकैप्चा अभी इसको हमारे को फिल करना पड़ेगा। पहले इसमें पूछ रहा है माउंटेन्स सिलेक्ट ऑल पिक्चर्स दैट कंटेन माउंटेन्स एंड हिल्स, इतना क्लियर नहीं दिख रहा है ये का होगा, इसमें दिख रहे हैं थोड़े ये, तो इसको कॉपी कर लिया है मैंने, और यही लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको दबा के आप गेम खेल भी सकते हो और देख भी सकते हो क्लियरली विथ ऑल कोड्स। सो अब आप मैं एंड्रॉइड शुरू करता हूँ, उसको 2 मिनट लगेंगे, तब तक मैं यूट्यूब से आपको एक चीज दिखाता हूँ, और मेरे को बस अब 2 मिनट में कुछ करना पड़ेगा, बस मेरे पास 1 ही मिनट है आपको जो भी दिखाना है उसके लिए। तो मैंने और भी वीडियोस इसमें डाली हैं मेरे चैनल में, तो आप वो देख सकते हो, क्रॉसिंग द रोड और पिंग पोंग गेम जरूर देखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे पास सिर्फ 1 ही मिनट है तो जल्दी से खुल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आज पता नहीं क्या हो गया, चल नहीं रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो को, थोड़ा टाइम लगता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये एंड्रॉयड स्टूडियो ऑन हो गया, ये ऑन हो ही गया, बस 2 सेकेंड बस। देखो आपको ये भी दिख रहा होगा, मैंने ये भी शेयर कर रहा हूँ मैं, जल्दी चालू हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है ये। तो देखो आपको इस सिलेक्ट डिवाइस में भी एवीडे मैनेजर से करना पड़ता है, बहुत लंबा काम है इसको चलाना, देखो अभी चालू कितनी देर में हो रहा है, तो सोचो उसको चलाना कितना मुश्किल होगा। तो थैंक यू, बाय बाय, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मेरे चैनल को, और ज़रूर से अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, मैं वापस बोल रहा हूँ प्लीज़ शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। तो ये देखो ये आप देख सकते हो, इसमें बहुत सारी कोडिंग लगती है, इसमें देखो आप क्लोज तो आप इसमें देख रहे हो बहुत ज़्यादा कोडिंग लगती है, दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, देखा इधर पिक्सल ये ऐप करना पड़ता है, बहुत हार्ड है, इसलिए आपको सजेस्ट ये नहीं करना। तो हमारा हो गया, वापस बोल रहा हूँ प्लीज सब्सक्राइब लाइक द चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।